ने कलह के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें कांगड़ा से आनंद शर्मा, गुरुग्राम से राज बब्बर, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा और मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल के नाम का ऐलान किया गया है। राज बब्बर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। बताते चले कि गुरुग्राम सीट से राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव अपने समधी कैप्टन अजय यादव के लिए भी जोर लगाए हुए थे। इस सीट पर राज बब्बर के सामने बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और जननायक जनता पार्टी यानी जीजेपी के प्रत्याशी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया हैं। यहां 25 मई को वोटिंग होनी है। बता दें राज बब्बर और आनंद शर्मा दोनों G23 का हिस्सा रहे हैं। आनंद शर्मा ने हाल ही में CWC सदस्य को खत लिखकर जातिगत जनगणना कराने को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताया था। आनंद शर्मा कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इसके साथ ही वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उधर कांगड़ा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी से सीधे मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट से पिछले 9 चुनावों में 7 बार भाजपा को जीत हासिल हुई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लगातार जीते हैं। पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। मंडी, हमीरपुर, शिमला के साथ ही कांगड़ा सीट पर वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांगड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किशन कपूर ने जीत हासिल की थी। उन्हें इस चुनाव में 7,25,218 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल को 2,47,595 वोट मिले थे। साल 2014 में बीजेपी प्रत्याशी शांता कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के चंदन कुमार को 2,86,091,000 वोटों से मात दी थी।